नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे पहले वाले वीडियोज में कि हम फुल एडवांस एक्सेल आपको यहाँ बताने जा रहे हैं और फुल एडवांस ही बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पूरे ऑप्शन हम बता रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑप्शन बताने होते तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। फिर उनमें हमारे वाले में फर्क क्या हुआ, हमारे वाले काफी एडवांस है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली आने वाली वीडियोस देखकर अगर एक्सेल में अगर आपको अच्छी कमांड बनानी है और जॉब अच्छे पाने हैं तो दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों यहां से अपनी स्टार्ट करते हैं, जैसे प्लेगमेंट के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, इस पूरी बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सर ये तो हमारे को आता है, दोस्तों आपको आता है लेकिन यहाँ से भी कई सारे ऑप्शंस खुलते हैं उनके बारे में भी आज अपन बात करने वाले हैं जो शायद आपको नहीं आते होंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि सबको आते हैं, हो सकता है कुछ उम्मीदवारों को आते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सारी चर्चाएं अपन करने वाले हैं तो बने रहिए। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल ही लिख देता हूँ, एक्सेल लिखा। अच्छा सर इसमें इधर इधर के सकने की जगह है क्या? बिल्कुल है, इसमें अभी तो स्पेस बचा हुआ है इतना। देखो ये एक्सेल लिखा तो ये एक सेल होता है जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें इतनी जगह है। अच्छा तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखो थोड़ा सेंटर में आ गया और थोड़ा राइट में आ गया। अच्छा जी सर अगर जगह ही नहीं होती तो दोस्तों जैसे अगर ऐसा केस हो जाता, मान लेते MICROSOFTEXCEL माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सर इसमें जगह नहीं है, क्या ही लेगा? बिल्कुल ही लेगा लेकिन आपको इतना पता ही नहीं लगेगा। दोस्तों अब आपको कि सर ये एक्सेल इधर आ रहा है, इधर वाले में आ रहा है, ऐप में आ रहा है, दोस्तों यहां क्लिक करो नहीं आ रहा, ये आपने यहां नहीं लिखा। ये आ तो रहा है दिखने में लेकिन यहां पे नहीं लिखा आपने। तो जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, हाँ सब यहां लिखा है, तो सर इसको इसी में कैसे एडजस्ट करें? तो इसको एडजस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके ऊपर आके डबल बार क्लिक कर दो। क्या करना है? डबल बार, देखो यहाँ पे दोनों तरफ वाले एरो के निशान आ जाते हैं, देखो इस प्रकार से दो ब्लैक एरो के निशान आ जाते हैं। जैसे आप इसके ऊपर डबल बार क्लिक करते हैं इसका मतलब होता है ऑटो फिट, ये देखो जितना आपने कंटेंट लिखा है उतना फिट हो जाएगा। अच्छा सर इसके अलावा यहां से आप इसको दबा के माउस का लेफ्ट क्लिक करके इधर लाओगे तो ये इतना छोटा हो जाएगा और इधर से आप ऐसे लाओगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। और डबल बार क्लिक करने ऑटो फिट हो ही जाता है दोस्तों। अच्छा इसके अलावा सर हम इसको बड़ा नहीं करके लिखना चाहें और हम इसी में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वर्ब टेक्स्ट होता है आपके यहाँ पे, ये देखो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। दोनों में एक ना एक इच्छा आपको लेनी पड़ेगी। सर हम दोनों ही नहीं लेना चाहते तो क्या करें? तो जबरदस्त समस्या हो गई। अब फिर एक समाधान और है, आप इसकी साइज को क्या कर दो, छोटी कर दो साहब। अब ये लो जी आठ हो गया साहब, अब दिक्कत आ रही है, आठ दिन के नहीं जा रहा। तो इसको सेलेक्ट करके मैंने कर दिया पांच, देखो मैंने लगाया पांच, देखो पांच हो गया, अब मैनेज हो गया, लेकिन अब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो दिक्कत कहीं ना कहीं है ही, तो या तो आप इसको क्या कर लो, ऑटो फिट कर लो। ऑटो फिट मतलब यहां जाके डबल बार क्लिक कर लो या इसको आप वार्प टेक्स्ट कर लो। तो वार्प टेक्स्ट में क्या होता है, दो लाइन तीन लाइन जितनी भी आप लाइने भरोगे उतनी लाइने भर सकते हो। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा व्हाट इज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन हिंदी, ये लिख दिया दोस्तों मैंने और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके ऊपर क्लिक करो, ये देखो ऐसे लाइनों में आया था। अच्छा सर अब ऑटो फिट करें तो इसके ऊपर डबल बार क्लिक करो, ये ऑटो फिट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा सर अभी अभी ये ऑटो फिट हो रखा है, अब हम इसको लेफ्ट राइट सेंटर में करना है। तो कई बार हो सकता है आपको ये हिलता हुआ बिल्कुल नहीं दिखे क्योंकि जगह बिल्कुल ना हो, तो अगर जगह होती है तो ये लेफ्ट राइट में जाएगा दोस्तों। जैसे ज्यादा जगह हो गई वो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से लेफ्ट राइट में खिसका सकते हैं। अच्छा इससे क्या होगा, ये देखो इससे इधर राइट में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसे क्या आ रहा है लेफ्ट में आ रहा है, ये सेंटर ये लेफ्ट, ऐसे भी कर सकते हो आप। अच्छा जी सर ये भी समझ में आ गए हमारे को, ये भी समझ में आ गए। सर ये क्या काम में आते हैं, ये थोड़ा सा मिडिल लाइन होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। सर नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर? अब आप बताओ पहले, तुम मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, सोच लिया ठीक है। यहां से ये ऊपर किस काने का है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, सिंपल भाषा में बात करें थोड़ा सा यहां से ऊपर, इससे अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा मिडिल लाइगन होता है और ये क्या हो जाता है, टॉप लाइगन हो जाता है।
ये मतलब ऊपर किसका आता रहता है, सीधी सी भाषा में अगर आपको कहूं तो ये क्यों नहीं किसका आया, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है किसकाने की। तो सर इसकी जगह कैसे बढ़ाएंगे, इसकी तो हम ऐसे जाते थे दो एरो आते थे और बैठा लेते थे, यहां जाएंगे दो एरो यहां पे भी अपने को मिल जाते हैं भाई लोगों, और इसको पकड़ के मैं नीचे की साइड खींच देता हूं, अब तो जगह हो गई नहीं मिलने की। हाँ तो इसको देखो बीच वाले में लाके सेट कर दिया, डाउन में लाके सेट कर दिया, समझ में आ गया होगा बात क्या है। कई विद्यार्थियों को यह बता दिया जाता है हाँ ये देखो काम ही नहीं करते, कोई काम ही नहीं करते, अरे काम करते हैं भाई लोगों, जब समझाते हैं बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वाले ने तो वो इतना पागल तो है नहीं कि काम नहीं करेंगे, काम तो सारे ऑप्शन करेंगे। यहां जाके डबल बार क्लिक कर दो, ये लो जी आगे देखते हैं, यहां तक अपना काम खत्म। छोटा वर्ड लिख देते हैं, मैंने लिख दिया EXCEL एक्सेल, डबल बार क्लिक करके इसको मैं ऑटो फिट कर दिया। अच्छा जी यहाँ पे क्लिक रखूंगा तो ये टेक्स्ट ही काम करेगा और बाकी में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहां लिखा माइक्रोसॉफ्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं एक्सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सारा काम एक्सेल के ऊपर होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा हुआ है इस शब्द के ऊपर कोई काम नहीं होगा। यहां से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये देखो सर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने इसी को सिलेक्ट, सर दोनों को करना होता है, दोनों को अपन क्या करते हैं और सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से दोनों में कार्यवाही करना स्टार्ट कर देते सर। ये हम तो नॉर्मल चाहते हैं, तो अभी कौन सा एक्टिव है देखो, अब कैसे पता लगेगा कौन सा एक्टिव है, या तो आप ऐसे देखो ये ऐसे तिरछा है तो इसमें तिरछा कौन सा ये है, या आप ये देख लो कि ये थोड़ा गहरा आ रहा है, ये डिब्बा गहरा आ रहा है और बाकी क्या है, तो इसी के ऊपर वापस क्लिक करो तो नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। यहां से क्लिक किया दोस्तों, यहां से इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और इसको वापस नीचे नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई एक्टिविटीज करना चाहता हूं तो यहां पे एक एडवांस ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों को यहां तक कि तो कैसे जैसे पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये एडवांस ऑप्शन आ गया है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, जो नॉर्मल कोर्सेज में नहीं कराया जाता दोस्तों। यहां से अब आप इसको अगर चेंज करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया हमने, क्या हुआ सर इसे क्या हुआ, मैं इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूँ, इसमें जगह होनी चाहिए थोड़ी सी उसको ऑप्शन को पढ़ने के लिए। तो यहां से मैंने किया अलाइनमेंट, मैंने कर दिया इसको सेंटर कर देते हैं एक बार, समझ में आ गई होगी बात क्यों नहीं काम कर रहा था, क्योंकि जगह नहीं थी, जगह बना दी, जगह नहीं है तब तक समझ में नहीं आएगा सर वो तो रहा है कुछ तो कुछ लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भैया, जस्टिफाई कर दिया ये लो जी। तो इस प्रकार से आप एक्टिविटीज कर सकते हो दोस्तों। आगे अगर अपन बात करें इसी के अंदर यहां आते हैं तो आगे यहां पे वार्प टेक्स्ट अपन कर सकते हैं, ठीक है वार्प टेक्स्ट में ये वाला ऑप्शन काम करता है जो मैंने पहले बता दिया था, स्टिक फिट कर सकते हैं अपन। स्टिक फिट में क्या होगा अब बताइए, स्टिक फिट में क्या होगा, जैसे मैंने यहां क्लिक कर रखा है यहां से आया मैं और जैसे मान लो ये शब्द मैंने इसको ऐसे काट दिया अभी कटा हुआ है, अब वापिस आओ स्टिक फिट करो देखिए क्या होता है, स्टिक फिट स्टिंग टू फिट क्या हुआ, कुछ समझ में आया नहीं आया, देखो जो सेल था उसी में ये फिट हो गया, फिट होना ये इसमें एडजस्ट कर लिया भाई लोगों अपने आप को कि तुम फिट कर रहे हो मेरे को, यहीं फिट हो जाता हूँ किधर उधर नहीं भगूंगा, यहीं कहीं छोटा हो जाऊंगा कुछ तो होगा ही, अरे सेल की साइज इतनी है इतना कैसे में आएगा, या तो उसको छोटा करना पड़ेगा, तो ये छोटा करके ये हो गया भैया है कि मैं फिट हो जाता हूँ इसमें और ये फिट हो गया इसमें बढ़िया तरीके से। अब आता है मर्ज सेल, मर्ज सेल क्या करता है जोड़ता है, जैसे आपने इन सबको एक ही डिब्बा बनाना है साहब तो इनको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके यहां से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करके मर्ज सेल कर दो दोस्तों, ओके करो ओके वही नहीं मर्ज हो गया सब, इसके ऊपर क्लिक किया यहां से क्लिक किया फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया, इसको आप डिग्रीज में भी रोटेट कर सकते हो साहब, ये ऐसे इतना 22 डिग्री में घूम जाएगा, घूम गया साहब। तो जो भी आपको करना है दोस्तों यहां से एडवांस ऑप्शन है, और दोस्तों एक सबसे बड़ी ज्ञान की बात होता हूं, अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, वहां आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके ऊपर क्लिक करके करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जरूर आपके पास हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स दिया हुआ है वहां जाके आप हमारे को कमेंट्स कीजिए, हम आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों। आगे बात चलती है दोस्तों, यहां पे आ गए, ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये यहां तक पढ़ लिया, अब आता है मर्ज और सेंटर वाले ऑप्शन दोस्तों। मैंने इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट करके ये इसको मर्ज कर दिया साहब, अब टीचर क्या पढ़ाते हैं इस एरो के ऊपर लेके नहीं जाते, ये लो जी साहब मर्ज हो गया, हाँ ये मर्ज भी हो गया, अरे वाह गलत पूरे बन जाएंगे, परंतु मर्ज से
मर्ज हो गया, एक हो गया साहब। अब आपको भी दिख रहा होगा ये बाकी की लाइनें हट गई, पूरा एक ही हो गया साहब। अच्छा मर्ज एक क्रॉस क्या काम करता है साहब? साहब ये आडी वाली लाइनें तो आ गई, मतलब रो में बदल दिया, कॉलम इसमें अभी तक नहीं आए। समझ में आ गई होगी बात? दो ये देखो ऐसे हो गई। आगे चलो जी दोस्तों, मर्ज सेल कर दिया तो मर्ज हो गया। अच्छा सब नॉर्मल करना है अपने, तो लपड़ा खत्म, तो इसको क्या कर दो, अनमर्ज कर दो। अच्छा अनमर्ज करके अगर मर्ज सेल करते हैं तो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, और अनमर्ज से क्या हो जाएगा, अनमर्ज हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बच गया ये वाला ऑप्शन, अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखना आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक बिना समझे हुए। क्या समझ में आया सर? ये भी पढ़ा था, कहां पढ़ा था, इधर इसके नीचे पढ़ने पढ़ा था। बिल्कुल दोस्तों वो का वही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें पढ़ने ये सारे पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली आने वाले वीडियोस देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।